अब हम आदेश बाप का इस्तेमाल करेंगे। शबाब सुर्ख रंग इख्तियार करता जा रहा है। ये तो आबी शबाब के असर खत्म हो जाने की निशानी है। बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी 1800 साल की जवानी बर्बाद हो जाएगी, मेरा हुस्न छिन जाएगा। मगर मल्लिका, ये हादसा हुआ कैसे? ये हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। साजिश? हाँ, इस आबे शबाब को पाने के लिए उस आदमजात मक्कार अय्यार ने और उस किरदार महजबीन ने मुझे धोखा दिया है। यकीनन ये अशर्फियां झूठी हैं, जिसे मैंने आबी शबाब के नजराने के तौर पर आबी शार में डलवा दिया था और जिसकी वजह से आबी शबाब का शबाबी असर खत्म हो गया है। कहाँ है वो अशर्फियां? दिखाओ मुझे, दिखाओ। तोते मेरे बंदे के बंदे, जिब्रान के समझदार वफादार परिंदे, आखिर तू सामरी के दरबार में आ ही गया। हाँ सामरी, मगर आज मैं अकेला ही आया हूँ और एक बुरी खबर लाया हूँ। सामरी को अपने सारे बंदों की खबर है, तू यही खबर लाया है ना कि तेरा आका शीशे की दीवारों में कैद हो गया है। हाँ काई, मेरे आका को बचा लीजिए। आका सामरे, मेरा आका बड़ी मुश्किल में फंस गया है, मुझे आपकी मदद
मुझे जरूरत है। मैं यहाँ से इल्तिजा करता हूँ, मेरे आका को बचा लीजिए, फिर मुसीबत से छुड़ा लीजिए। ऐ दिलिस्ती परिंदे, तू अपने आका के लिए मुझसे दुआ मांग रहा है। तोता होकर तोता चश्मी नहीं कर रहा है बल्कि नमक हलाली कर रहा है। मेरे बंदे के बंदे, तू रहता तो है शैतानों के बीच मगर तेरे जज्बात इंसानों जैसे हैं। मुझे खदशा है, डर है कि तेरी नेकियां तुझे हम शैतानों से जुदा न कर दें। तेरे जज्बात में हमदर्दी है और बातों में भोलापन है। तू सामरी को भी अच्छा लगने लगा है मगर देख कहीं तू हमसे दगाबाजी न करना, हमें छोड़कर इंसानों में न चले जाना। अब भी तो एक इंसान के साथ ही रह रहा हूँ। मेरे आपा इमरान भी तो आखिर इंसान ही है। हाँ मगर तू नहीं जानता मासूम परिंदे, तेरा आका एक ऐसा इंसान है जिससे शैतान भी शर्माते हैं। आकाई मैंने आका जिब्रान से वादा किया है कि उन्हें कल से रिहाई दिलाऊंगा, वरना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरी मदद कीजिए, जिब्रान की रिहाई की तरकीब बताइए। जिब्रान ने मेरी बड़ी खिदमत की है, बड़ी इबादत की है, उसकी इबादत मुझ पर फर्ज है, उसे छुड़ाना मेरा फर्ज है। ऐ दिलिस्मी अजूबे, ऐ बेमिसाल परिंदे, गौर से सुन, मेरे खतों में जो काला फल है, जो नजराना है, उसे देख और उसे उचक ले। इस फल को अपनी चोंच में मजबूती के साथ पकड़ ले और बाहिफाजत जबले खाक तक ले जा। ठीक है आकाई। और जिस शीशे के कैद खाने में जिब्रान कैद है उस पर या साबरी कहकर ऊंचाई से उसे छोड़ दे। हल्की चोट और दिलिस्मी असर से कैद खाने की दीवारें चकना चूर हो जाएगी। मेरा आका और मेरा बंदा जिब्रान आजाद हो जाएगा। इस नवाजिश करम और इनायत का शुक्रिया आकाई। मैं भी ये सिया दिल में फल लेकर जाता हूँ और अपने आका जिब्रान को बचाता हूँ। कनीजों उठो, देखो कौन आया है। सनम बाजी आप आ गई। बाजी हुजूर, हम बख्तों ये अंधेरा क्यों कर रखा है। अरे मैं बाहर गई थी, मर तो नहीं गई थी ना। जाओ जाकर रोशनी करो। जी बाजी, आपके हुस्न और जलवे के बगैर इस दीवान खाने की तो रौनक ही उड़ गई थी। हाँ बाजी, शमा जलाने से क्या भला वो रौनक लौट सकती थी। अगर अब इस दीवान खाने में कभी अंधेरा नहीं होगा, तारीकी का राज नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे इस लाजवाब हुस्न के जलवे हमेशा जगमगाते रहेंगे। रंग और नूर की वो बरसात होगी जो कभी थमने में भी नहीं आएगी। यह आप क्या कह रही हैं बाजी हुजूर। अपनी जिंदगी के जिस मकसद